गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पेज नंबर 31। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टिल लाइफ स्टडी। तो यहाँ पे हम आज दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट है बॉटल, यहाँ पर हम बॉटल का एक शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर बाउल ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो लॉन्ग रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया है, सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन है वो हमें गाइड करेगा सिमिलर पार्ट ड्रॉ करने के लिए। सिमेट्रिकल शेप है मॉडल से, तो सेंटर पार्ट में यहाँ पे एक गाइड लाइन ड्रॉ किया है, तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हाफ पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सिमिलर ऑपोजिट हाफ पार्ट यहाँ पर होगा, तो हमें सपोर्ट करेगा हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए, सिमिलर डिस्टेंस। तो ये आप चेक करोगे ये सिर्फ डिस्टेंस सिमिलर है, ऑपोजिट पार्ट भी सिमिलर रहेगा। तो यहाँ से मैं कर्व पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से कर्व, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट टच हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट पार्ट में यहाँ पे एक पॉइंट टच होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ से एक पार्ट हम कर्व यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, सिमिलर मॉडल नीचे से राउंड शेप है कर्व से, तो यहाँ से हाफ पार्ट कर्व, तो अगेन यहाँ से हाफ पार्ट कर्व ड्रॉ करना है। और ये जो रेक्टेंगल है, एक बार ड्रॉ हो जाने के बाद आपको रेक्टेंगल रफ कर देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें रफ कर देना है। तो ये हुआ हमारा। अब बॉटल से हमें यहाँ पे बाउल ड्रॉ करना है, तो बाउल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने कर्व लाइन ऐड किया, जो ये डिस्टेंस है ये ऑपोजिट पार्ट में आपको सिमिलर डिस्टेंस में जाके डॉट करना है। तो ये हमें गाइड कर रहा है यहाँ से सिमिलर पार्ट कट, यहाँ पे आप चेक करोगे तो जितना डिस्टेंस है यहाँ पॉइंट कट टच हो रहा है, ऑपोजिट पार्ट में आप चेक करोगे सिमिलर डिस्टेंस, और वो पार्ट को आप कनेक्ट करोगे। तो ये हुआ अबाउट। यहाँ पर हम कर्व पार्ट ड्रॉ करेंगे, कर्व से स्टूडेंट्स यहाँ जो रेक्टेंगल है उसके ऑपोजिट पार्ट में भी आप कर्व से ड्रॉ करोगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो है रेक्टेंगल उसको हमें रफ करना है। ये हुआ हमारा अबाउ। स्टूडेंट्स इसमें हमें पेंसिल शेडिंग ऐड करना है, तो सबसे पहले लाइट शेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डायगनल डायरेक्शन में स्ट्रोक वर्क कर रहा हूं, आप चेक करोगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फोकस लाइट, ये पार्ट लाइट है, ये पार्ट लाइट सेल है, यहाँ लाइट सेल रहेगा, तो ये पार्ट डार्क सेल हुआ यहाँ पर। सिमिलर बॉटल में डायरेक्ट डायरेक्शन में स्ट्रोक वर्क करना है। यहाँ पे जो पेंसिल है, तो हमने पहले मॉड्यूल में भी देखा है अंडर द पाम, आपके हाथ के नीचे पेंसिल रहेगी और आप स्ट्रोक वर्क करोगे, तो यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन में हम स्ट्रोक वर्क ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स जहां गैप है वहां पर रिपीट करोगे तो वो पार्ट और डार्क दिखेगा, सिमिलर डायरेक्शन आपको स्ट्रोक वर्क करके जाना है। इस तरीके से आपको हैंड को लॉन्ग स्ट्रोक ऐड करना है। तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो एक पार्ट लाइट और वन पार्ट डार्क, जहां से फोकस लाइट है, लाइट ऑफ सोर्स जहां से आ रहा है उस तरफ हमें लाइट पार्ट दिखेगा। स्टूडेंट्स ये पार्ट लाइट से रहेगा, लाइट से, तो ये ऑपोजिट पार्ट यहां पर डार्क से। स्टूडेंट्स ये आपको अपनी जो स्केच बुक है येलो स्केच बुक, उसमें आपको ड्रॉ करना है और सेडिंग प्रैक्टिस करना है। और ऑलरेडी आपको पिक्चर दिया हुआ है पेज नंबर 31 पर, ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, उसमें भी आपको शेडिंग वर्क ऐड करना है। तो शेडिंग वैल्यू जो लाइट टू डार्क शेडिंग वैल्यू है वो आपके जो पिक्चर है जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपको ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स।